दोस्तों, प्रसार भारती की तरफ से जल्द ही एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्रसार भारती डीडी फ्री डिश का नाम यहाँ पर बदलने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये खबर बहुत पहले आपको मिली होगी। बहुत पहले मैंने आपको बताया था कि प्रसार भारती यहाँ पर अपना डीडी फ्री डिश जो नाम है इसे चेंज करने वाली है। तो दोस्तों, ऐसा क्या कर रहे हैं अगर आपको नहीं पता, मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। साथ ही ये बताऊँगा क्या वो नाम रखा सकता है और कब तक ये होगा। तो दोस्तों, ये डिसीजन काफ़ी बड़ा है। डीडी फ्री डिश का नाम बदलना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि ये नाम बहुत दिनों से चला आ रहा है। पर हालांकि पहले इसका नाम डीडी डायरेक्ट प्लस हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे बदलकर डीडी फ्री डिश कर दिया गया था। लेकिन अब इसका नाम दोबारा बदला जाएगा। तो क्या नाम रखा सकता है उस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो अपने किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स बात कर लेते हैं, अगर जिनको नहीं पता मैं बता दूँ कि क्या कारण है कि डीडी फ्री डिश का नाम को बदला जा पा रहा है, क्योंकि इतना अच्छा नाम यहाँ पर रखा है तो क्यों इसे बदला जाएगा। तो दोस्तों, डिश टीवी जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, आपको पता होगा, तो उन्होंने यहाँ पर प्रसार भारती पर केस किया था कि यहाँ पर जो उनका डिश वर्ड है, यानी डिश वर्ड प्रसार डिश टीवी में भी है, डीडी फ्री डिश में भी है, तो ये डिश वर्ड यहाँ पर डिश टीवी का यहाँ पर चुराया गया है। तो ऐसा प्रसार डिश टीवी का कहना था, तो जिस कारण दोस्तों कोर्ट यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यहाँ पर आदेश दिया था प्रसार भारती को कि वो अपना डिश वर्ड इसे हटा ले, क्योंकि ये कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन करता था। जिस कारण प्रसार भारती ने भी कहा था कि हमें कुछ दिनों का समय चाहिए, तब हम ये नाम को हटा देंगे। तो दोस्तों, लेकिन उसके बाद बहुत दिन हो गए थे, मतलब 3-4 महीने हो गए हैं, तो डिश टीवी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन दोस्तों, दोबारा से डिश टीवी यहाँ पर एक्शन लेने जा रहा है। इसका फ्रेंड्स एक ही कारण है, डिश टीवी बार बार एक्शन क्यों ले रहा है, क्योंकि डीडी फ्री डिश का ग्राहक दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। लोग प्राइवेट डीटीएस से डीडी फ्री डिश की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिस कारण इसके ग्राहक कम हो रहे हैं। इसके कारण यहाँ पर डिश टीवी ने प्रसार भारती पर अपना बदला लेने के लिए केस ठोका था। दोस्तों, ये केस फिर से दोबारा से ओपन हो रहा है, तो जिस कारण आपको यहाँ पर प्रसार भारती अब जल्द ही अपना नाम बदल देगा। क्या नाम रखाएगा ये तो कन्फर्म नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आपको यहाँ पर ये नाम बदला जाएगा, ये कन्फर्म है। दोस्तों, 2-3 महीने में आपको यहाँ पर नाम बदला हुआ दिखेगा। तो कौन सा नाम रखा सकता है ये तो प्रसार भारती ने कन्फर्म नहीं किया, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि डीडी फ्री डिश का कौन सा नया नाम आपको चाहिए, और जिसका अच्छा लगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आप उम्मीद करता हूं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा आपके हिसाब से कौन सा नाम डीडी फ्री डिश का रखना चाहिए, डीडी फ्री डिश के अलावा, डीडी डायरेक्ट प्लस के लिए भी अलावा, इन दोनों के अलावा कौन सा नाम आप सजेस्ट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।